हिंदू मुसलमान के अलावा राजनीति में जिस मुद्दे पर रण मचा हुआ है उसमें एक बड़ा मुद्दा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अदानी। कांग्रेस समेत विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार अदानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि अदानी की वजह से हिंदुस्तान की आवाम को आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार सफाई दे रही है मगर कांग्रेस जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे पर वाट पलटवार देखा जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अदानी के शेयरों में गिरावट है। विपक्ष कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में बड़े संकट की आहट है और बाजार के उतार चढ़ाव से पैसा लगाने वालों में घबराहट है। यही वजह है कि सरकार अपने बयान से जनता को विश्वास दिला रही है। हालात पूरी तरह से निगरानी में होने की बात कह रही है। Not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि LIC और बैंकों का जो पैसा अदानी की कंपनियों में लगा है क्या वो डूब जाएगा और क्या आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विपक्षी नेता इसे लेकर बार बार सरकार को घेर रहे हैं, अदानी के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। As regards the loss, that's a share market valuation loss. That is not the loss of any individuals or people's wealth. Investment in shares and stocks go up, go down. The financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है? लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अदानी ग्रुप की पैरोबी करने मैदान में उतर गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही गौतम अदानी ग्रुप की केंद्रीय संस्थाएं निगरानी कर रही है, अदानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की जानकारी ले रही है। उधर सरकार विपक्षी नेताओं के हंगामे को गलत बता रही है, बाजार की स्थिति को पूरी तरह से मजबूत बता रही है। SBI, LIC, वित्त मंत्री, RBI सब ने इस पे अपनी बात कह दी है और बड़ा स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और राष्ट्रपति भाषण और बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही है। और दूसरों में वो सब जो कि मोदी शाह जी के चहते नहीं है, टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है, उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिन्होंने पैसा लगाया अडानी के शेयर बाजार में, उनके साथ उनका सहानुभूति नहीं है, उनका जो पैसा लगा था उन्होंने निकाल लिया होगा। कुल मिलाकर सरकार भले ही लोगों और निवेशकों को भरोसा दिला रही है लेकिन निवेशकों के मन अदानी ग्रुप को लेकर आशंकाएं हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार हो रही है, सियासत भी जोरदार हो रही है। आज तक ब्यूरो।